बच्चों, आज हम 19 पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चार चने। ये एक कविता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। जो कवि है, जिसने कविता लिखी है ये, वो कह रहे हैं अगर उनके पास पैसा होता तो वो क्या करते, चार चने लाते और उनमें से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाई टाई गाता, जब तोता चना खा लेता तो कैसे गाता, टाई टाई गाता। टाई टाई गाता तो बड़ा मज़ा आता। कवि कह रहे हैं कि अगर तोता चना खा लेता तो बहुत मज़ा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते। फिर से कवि कह रहे हैं कि अगर पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। क्या है, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। पहले किसको खिलाया, पहले तोते को खिलाते, फिर अब घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता। घोड़े को अगर चना खिलाते तो वो क्या करता, वो उन्हें पीठ पर बिठाता। पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। अगर पीठ पर बिठाता उन्हें तो क्या होता, उन्हें बहुत मज़ा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते। क्या है, कवि फिर से कह रहा है कि अगर उसके पास पैसा पास होता तो वो कितने चने लाता, चार चने लाते। चार में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को, चार में से एक चना किसको खिलाते, चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। चूहा अगर चना खाता तो उसका क्या होता, दांत टूट जाता। और दांत टूट जाता तो उसका तो क्या होता, बड़ा मज़ा आता। पहला चना तोते को खिलाते, फिर घोड़े को खिलाते, फिर चूहे को खिलाते। अब पढ़ते आगे। तो बच्चों ये पाठ तो यही ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, अगर कवि के पास पैसा होता तो वो क्या करते, चार चने लाते और एक चना तोते को खिलाते। तो तोता क्या करता, तोता खाता तो टाई टाई गाता और फिर कवि को बहुत मज़ा आता। फिर दूसरे में फिर उन्होंने कहा कि पैसा पास होता तो वो क्या होता है, चार चने लाते और फिर वो दूसरा चना किसे खिलाते, एक चना किसे खिलाते, घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो क्या होता, वो उन्हें पीठ पर बिठाता तो उन्हें बहुत मज़ा आता। फिर तीसरा चना किसे खिलाते, चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो उसका दांत टूट जाता और दांत टूट जाता तो उन्हें बहुत मज़ा आता। समझ में आया बच्चों, ये पाठ यहीं ख़त्म हुआ। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। चार चने होते तो चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है, क्या क्या करवाया जा सकता है। माली को चार चने देकर अच्छे अच्छे फूल लगवाए जा सकते हैं बगीचे में, है ना। हलवाई को चार चने देकर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनवाई जा सकती है। बच्चों आप लोगों को मिठाइयाँ अच्छी लगती है ना। और दीदी को चार चने देकर उनसे काम कराया जा सकता है ना बच्चों। और दोस्त को चार चने देकर उसके साथ खेला जा सकता है, उसे मनाया जा सकता है कि वो उसके साथ खेले। क्या क्या है,
माली को चार चने देकर अच्छे अच्छे फूल लगवाए जा सकते हैं, हलवाई को चार चने देकर अच्छे अच्छे मिठाइयाँ बनवाई जा सकती हैं, दीदी को चार चने देकर उनसे काम कराया जा सकता है, और दोस्त को चार चने देकर अपने साथ खिलाया जा सकता है कि हमारे साथ खेल लो। किसने खाया? चार चने में से एक चना किसने खाया? एक चना तोते को खिलाया। दूसरा चना किसे खिलाया? घोड़े को। तीसरा चना किसको खिलाया? चूहे को। तो एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? किसे खिलाओगे बच्चों? कोई अपने मम्मा को खिलाएगा, कोई अपने बाबा को खिलाएगा, है ना बच्चों? मैं क्या होगा इसका जवाब कि मैं अपनी मम्मा को खिलाऊंगा, क्योंकि वो हमें हमारी देखभाल करती है, हमें पढ़ाती है, हमें खिलाती है, हमारा सारा काम करती है, है ना बच्चों? तो बच्चों ये पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय बच्चों।